हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ मानसून आया कि नहीं। मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है और शादियों का सीज़न भी जा रहा है, मतलब वेडिंग सीजन ऑलमोस्ट गन। लेकिन मैं उसके पहले आप लोगों के साथ ये लुक शेयर कर रही हूँ, और ये लुक जो है बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ ग्लैम लुक क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि ये जो मेकअप लुक जितना दिख रहा है ग्लैम लुक नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आप लोग भी बहुत ही आराम से ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का जो मेकअप लुक है। वैसे मेकअप लुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ज़रूर एक बात शेयर करना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना मेरी जान, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे एक लाल वाला बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और साइड में एक बेल आइकन है, उससे क्लिक करके ऑल में सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करो। चलो अब शुरू कर देते हैं हमारा मेकअप लुक। पहले हमारा CTM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि NYBA का बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मैं जब से YouTube में आई हूँ तब से यही वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा प्राइमर है। उसके बाद यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे उतना मुझे डार्क सर्कल का प्रॉब्लम नहीं है, बीच में था लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़ेगा तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो पिगमेंटेशन है या फिर एक्टिव पिंपल है, अक्नी का प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, ये सारे चीज़ें हाइड हो जाए। ठीक है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना भी ज़रूरी है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में बता दूंगी न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस बता दूंगी कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन को ब्लेंड करने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे ड्राई होना चाहिए। ब्रश के हेल्प से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी टी जोन एरिया में, अंडर आई एरिया एंड आई लिड में। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे ना मेरी जान, उतने अच्छे से आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलेगा। ऐसा मत नहीं लगना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया गया है। कोशिश कीजिएगा जितना कम प्रोडक्ट के साथ आप मेकअप करोगे उतना फ्लॉलेस आएगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उतना मुश्किल होगा आपको ब्लेंड करने में। और अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को, तो फिर वो पैची लगेगा, केकी कहीं कहीं से लगेगा, जैसे अंडर आई एरिया होता है, स्माइल लाइंस होता है, यहाँ पे सब केकी हो जाता है, पैच पड़ जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा जितना लाइट मेकअप करें और अच्छा मेकअप करें। ब्लेंडिंग करना है तो बिल्कुल भी हेवी या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ मत कर लीजिएगा। और आपका जो फाउंडेशन का शेड होगा वो ठीक आपके स्किन टोन से एक शेड लाइटर होगा, ताकि जब वो ऑक्सीडाइज हो वो आपके ओरिजिनल स्किन टोन के साथ मैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रोंजर अप्लाई कर रही हूँ। लूज़ पाउडर के हेल्प से अंडर आई एरिया को पहले सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है आज भी, क्योंकि वो वहाँ पे ना बहुत जल्दी पैच पड़ जाता है, केकी लगता है। ठीक है, ब्रॉड फोरहेड नहीं है, डबल चिन का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसीलिए मैं सिर्फ चीक और नोज़ एरिया को ब्रोंजर अप्लाई करती हूँ या फिर कंटूर करती हूँ। अगर आपको ये दोनों का प्रॉब्लम है, मतलब ब्रॉड फोरहेड या फिर डबल चिन का प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे ब्रोंजर या कंटूर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो फेस का फीचर है वो एनहांस होकर आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, सिंपल मेरे जो स्किन टोन के साथ मैच हो रहा था पिंक ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्लश के बिना मेकअप अधूरा अधूरा लगता है ना, इसलिए अच्छे से मैं कश्मीरी ब्लश यूज़ कर रही हूँ अपनी चीक नोज़ एंड चिन एरिया में। अच्छे से ब्लेंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में। ठीक है, आप चाहे फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो, या फिर कंसीलर अप्लाई कर रहे हो, कंटूर कर रहे हो, ब्लश अप्लाई कर रहे हो,
ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर के हेल्प से अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। बीच में आ गई थी मेरी मम्मा कुछ पूछने, तो मैं उनको बताने लगी। मेरी बातें ख़त्म नहीं होता, जितना वक्त मैं कैमरा के सामने रहती हूँ उतना वक्त मेरा मुँह चुप रहता है, नहीं तो मेरा बटर 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 कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरे घर वाले शायद परेशान हो रहे होंगे, पर क्या कर सकते हैं, है ना। एंटायर फेस को मैं अच्छे से लूज़ पाउडर के हेल्प से सेट करने के बाद आईलिड में मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ट्रांजिक्शन सेट। ठीक है, ट्रांजिक्शन शेड हमारा ब्राउन शेड होता है। मेरे स्किन टोन से एक से डार्कर मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। और ट्रांजिक्शन शेड के बारे में बोलूँ, अगर ट्रांजिक्शन शेड नहीं यूज़ करेंगे ना तो वो ड्रामेटिक वाला लुक नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ट्रांजिक्शन शेड को यूज़ करना। कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करने लगती हूँ बहुत सारे कलर को ट्रांजिक्शन शेड मिलाने के लिए। कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी भी नहीं होता है। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। ट्रांजिक्शन शेड को हमेशा अपनी जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर ही आपको ब्लेंड करना है, क्रीज लाइन एंड उसके ऊपर। ठीक है, पूरे आईब्रो के पास नहीं जाना है, आईब्रो से नीचे रहना है, क्रीज लाइन के ऊपर रहना है। क्रीज लाइन से जस्ट ऊपर ही आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्रश जाना है और सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश को मूव करना है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा एक पेंसिल ब्रश लेके डीपर चॉकलेट ब्राउन शेड को क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ, डैब डैब के मोशन में, और अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि एक अच्छा सा क्रीज जो है वो मेरा विजिबिलिटी में आए। ठीक है, यहाँ पे कट क्रीज का टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसी में ही काम करना है। तो आपके कट क्रीज जहाँ पे है वहीं पे आपको चॉकलेट ब्राउन शेड को डैब डैब के मोशन में अच्छे से डीपर बनाना है, अच्छे से ब्लेंड करना भी है। लेकिन जब आप ब्लेंड करोगे इस चीज़ को, तब कोशिश कीजिएगा आपके ट्रांजिक्शन शेड के साथ ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए, जैसे दिखे आपका जो क्रीज लाइन है वो अच्छे से शो ऑफ हो। अच्छे से ब्लेंड करना मतलब जस्ट वहीं पे ही ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन के नीचे भी नहीं आना है, वहीं पे ही आपको ब्लेंड कर देना है ताकि उसका जो हार्स लाइन हो वो इनविजिबल हो जाए। अगर हार्स लाइन शो ऑफ होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कलर को वहाँ पर हम प्लेस किए हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि कलर डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके बाद जितना मेरे आईलिड में जगह था थोड़ा सा मैं ब्लैक शेड आई शेडो लेके उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। अभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है ना, ये एक स्मोकी इफेक्ट आ रहा है, राइट, ये एक स्मोकी इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जेल का आईलाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। रीज़न ये है, अगर आप जेल आईलाइनर यूज़ करते हो तो उसको ब्लेंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आई शेडो को आप यूज़ करते हो तो आपको ब्लेंड करने की झंझट नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद ग्लिटर फिक्स कर रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट है और मेरी जान भी है। ग्लिटर के साथ मेरा जो बॉन्डिंग है मुझे नहीं समझ में आता है इतना मैं ऑब्सेस्ड क्यों हूँ। अगर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि मैं ग्लिटर ऑब्सेस्ड इंसान हूँ, लेकिन हूँ। उसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और हाँ, ग्लिटर के बारे में बोल रही थी, तो ग्लिटर एक ऐसा चीज़ है जो आपकी सिंपल मेकअप को डायरेक्टली ग्लैम लुक करने के लिए काफ़ी है। इनर कॉर्नर को थोड़ा सा मैं सेट कर दे रही हूँ, ब्लैक काजल अप्लाई करके स्मज आउट कर रही हूँ लोअर लैश लाइन को। इसको स्किप गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इनकम्प्लीट लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्करा। यहाँ पे अगर आप चाहो तो फॉल्स लैसेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को पता है मुझे तो मौत आ जाती है फॉल्स लैसेस के नाम से, इसलिए मैं मस्करा को डबल कोट कर देती हूँ लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन में। आईब्रो सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कम्प्लीमेंटरी है आईब्रो सेट करना आई मेकअप के लिए। लास्टली मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर एंटायर फेस में। एंटायर फेस में मतलब पूरा हाईलाइटर नहीं अप्लाई करना है, चिकबोन, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड अपर लिप, जो क्यूटिप्स होते हैं ना वो वहाँ पे एंड चिन एरिया में। ओके, इतना में अच्छे से आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है। और हाँ, दूसरी बात, ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा वाला इफेक्ट देता है, हमारे आईलिड को कंप्लीट करता है, तो उसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा। लास्टली मैं कंबाइन कर रही हूँ लिपस्टिक, मरून एंड पिंक लिपस्टिक को। मैं शॉर्ट्स में सोची थी शेयर करूँगी, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा मुझे शॉर्ट्स में शेयर करना, तो मैं शेयर नहीं की हूँ। अगर आपको चाहिए इस लिपस्टिक का कॉम्बो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी। फाइनल लुक तो आप लोगों को पता ही है, ये था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये इंडो वेस्टर्न मेकअप लुक। वैसे इंडो वेस्टर्न मेकअप लुक को ना मेरे दोस्त का दिया हुआ नाम है, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉरी, बट वो भी एक यूट्यूबर है। जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका चैनल, वैसे अभी अभी आई है यूट्यूब में, होपफुली उसके लिए बेस्ट विशेष ज़रूर भेजना चाहूँगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो मेकअप लुक है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक में आ रहा है,
वैसे भी वेडिंग सीजन जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मैं जा रही हूँ सोने, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।